कोरोना वायरस के नए खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आपात बैठक इस वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों से चर्चा की। आपको बता दें कि WHO ने इसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में शामिल किया है। इसका मतलब ये है कि इससे वैसा ही खतरा है जैसा डेल्टा वेरिएंट से था। WHO ने इस नए स्ट्रेन को B11529 को ओमिक्रॉन नाम दिया है। गौरतलब है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न में उसी स्ट्रेन को रखा जाता है जिसका खतरा अधिक होता है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ओमिक्रॉन स्ट्रेन का संक्रमण अधिक तेजी से फैलता है। इसके अलावा ये वैक्सीन के असर को भी कम या खत्म कर सकता है। यहाँ पर यह भी बता दें कि विश्व के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते कुछ महीने में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यूरोप समेत रूस और चीन में भी मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन ने अपनी प्रांतीय शहरों में लॉकडाउन तक लगाया है। रूस की बात करें तो वहां पर इस महामारी से रिकॉर्ड संख्या में मौतें हो रही थी। इस नए वेरिएंट की दहशत दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी महसूस की जा रही है। सभी देश इसको लेकर बेहद चौकन्ना है। ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और ब्रिटेन ने तो अफ्रीकी देशों से आने और जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। इन तीनों ने केवल वहां से अपने नागरिकों के वापस आने को ही छूट दी है। वो भी सीधे नहीं आ सकेंगे क्योंकि इन देशों ने विमान सेवा को यहाँ के लिए फिलहाल बंद किया हुआ है। इसराइल में इससे एक ऐसा व्यक्ति संक्रमित पाया गया है जिसको वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी थी। अफ्रीकी देश दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, लेसिथो और एस्वतिनी में इसके मामले सामने आ चुके हैं। बोत्सवाना में तो इसके अब तक 32 म्यूटेशन सामने आ चुके हैं। बता दें कि 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहला मामला सामने आया था। हालांकि इससे WHO के प्रमुख ट्रेडोस अदनम गेब्रेस से बताया कि इस वेरिएंट के बड़ी संख्या में म्यूटेशन सामने आए हैं जो बेहद चिंता की बात है। उन्होंने विश्व को आगाह किया है कि हमें इसके प्रति सजग रहने की जरूरत है। ब्रिटेन का कहना है कि इस वेरिएंट में स्पाइक प्रोटीन है जो कोरोना वायरस के मूल स्वरूप से अलग है। ब्रिटेन ने इसको लेकर काफी पहले ही संदेह जता दिया था।